दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जैसा कि आज आप लोगों को पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर इस्लाम का अंग नहीं है, या इस्लाम में लाउड स्पीकर का कोई मायने है ही नहीं। लेकिन जो लोग सुबह शाम गाड़ फाड़ अजान पढ़ने के नाम पर चिल्लाते थे, लोगों को परेशान करते थे, अब इससे आप लोगों को मुक्ति मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा है कि यह आर्टिकल 226 और 25 के तहत है, जिसमें कहा गया है कि यह लोगों के अधिकारों का हनन है, यह लोगों को जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जिसमें इस लाउड स्पीकर इन लोगों के द्वारा जबरदस्ती सुबह शाम चिल्लाते थे अजान पढ़ने के नाम पर, यह अब नहीं होगा। दोस्तों, यह सब आप लोगों के मेहनत का ही नतीजा है। आप लोग दिन रात एक करके इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिसके कारण ये आज हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, धीरे धीरे ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हम लोगों के पक्ष में फैसला देते आ रहे हैं। अब लोगों को पता चल रहा है कि इस्लाम दुनिया के लिए कितना खतरे की बात है, और यह धीरे धीरे बैन हो रहा है। यह कई देशों में बैन हो भी चुका है। दोस्तों, अब आप लोगों को इतना करना है कि इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना है, और धीरे धीरे ये भारत से भी बैन हो जाना चाहिए। आप लोग इतना कर सकते हो कि दिन रात इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों से चर्चा करो, ताकि पता चले लोगों की कि ये कितना खतरनाक है। ये सिर्फ भारत के लिए खतरनाक नहीं है, पूरी दुनिया के खतरनाक है। पूरी दुनिया इन लोगों से परेशान है, इन लोगों के खतरों से अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। आप सब लोगों को ये सब चीज़ बताना होगा, ये सब आप लोग ही कर सकते हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने कर दिखाया कि एक अपील के कारण पूरी लाउड स्पीकर से आप लोगों को मुक्ति मिल गई होगी। जैसा कि हमारे सोनू निगम ने एक बार ऐसी परेशान होकर आधी रात को एक ट्वीट किया था, जिसमें कहा गया था कि ये अजान लोगों के मानव अधिकार का हनन है, जिसके कारण कई कट्टरपंथियों ने उसके ऊपर सर कलम करने के लिए इनाम भी रखा था। लेकिन दोस्तों, आज ये सही हो चुका है और इस्लाम में लाउड स्पीकर को बैन करना पड़ेगा, और ये भारत में भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये खुशखबरी आपको कैसा लगा? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं। धन्यवाद।